आपकी संपत्ति जब्त की जा सकती है, आपको संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का 25% तक जुर्माना लगाया जा सकता है और आपको 7 साल तक की कैद भी हो सकती है। यदि आप बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 2016 नाम के कानून के बारे में नहीं जानते हैं। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार दुबे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज एक अहम मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट। सर, बेनामी एक्ट की क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं? बेनामी एक्ट की क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं? अजी, अभी जैसे मैंने चर्चा के दौरान बताया था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बेनामी ट्रांजैक्शन जब भी होता है वो करते समय तो पकड़ा जाता नहीं, वो जब भी पकड़ा जाएगा वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में पकड़ा जाएगा। और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है, इसके जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अलग होते हैं। ये कौन से ऑफिसर्स होते हैं? वो वाले ऑफिसर्स होते हैं जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वाले होते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग को डील करते हैं, वही सारे ऑफिसर बेनामी प्रॉपर्टी के होते हैं। इनकम टैक्स वाले ऑफिसर डिफरेंट होते हैं। तो जब पकड़ा जाता है, उससे पहले क्या हुआ है, इस समय गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आप जब भी कोई सर्च करें या जब भी कोई आप इंक्वायरी करें तो आप अपने पर्पज वाला तो कर ही लें कि कितना टैक्स बनता है, कितना पेनल्टी बनता है, कितना इंटरेस्ट बनता है। आप ये भी चेक करिए कि वो जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसका सोर्स ऑफ फंड क्या है, वो कहाँ से खरीदी गई, कैसे खरीदी गई, मतलब उसका इम्प्लीकेशन बेनामी प्रॉपर्टी में आता है कि नहीं। तो गवर्नमेंट कितना सेंसिटिव है कि ये डिपार्टमेंट पता लगाए न लगाए इस डिपार्टमेंट को भी इंटीमेट कर दिया, ऐसे और डिपार्टमेंट को भी इंटीमेट की होगी। तो अगर कहीं पे भी इंफॉर्मेशन आता है कि जी अब बेनामी प्रॉपर्टी का संदेह हो रहा है, अब वो बेनामी प्रॉपर्टी कन्फर्म हो जाती है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, ये प्रॉपर्टी है जिसने, ये बेनामी है जिसके नाम पे है, वो बेनामीदार है। जब बेनामीदार पकड़ा जाएगा तो बेनामीदार को एक नोटिस जाएगा सेक्शन 24 में, और जिसने उसको पैसा दिया है, जो बेनिफिशियल ओनर है, दोनों के पास नोटिस जाएगा, दोनों वहाँ प्रेजेंट होंगे। अगर वो कन्फर्म हो जाता है कि सही में ये बेनामी प्रॉपर्टी है तो दोनों के ऊपर सेम कार्रवाई होगी, बल्कि मैं तो कहता हूँ तीन के ऊपर कार्रवाई होगी। दो खरीदार बेचने वाले हैं, तीसरा उनको आइडिया देने वाला है कि ऐसा ऐसा कर लो, तो वो भी सेम हकदार है। सिर्फ इसके ऊपर क्या नहीं अप्लीकेबल होगा, इसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट अप्लीकेबल नहीं होगा, और एक आध चीज़ से इसको बचा दिया गया है। अब इम्प्लीकेशन क्या होगा, एक तो जो प्रॉपर्टी है इमीडिएट इफेक्ट से वो अटैच कर ली जाएगी, उसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी, जिस दिन नोटिस आया उसी दिन से प्रॉपर्टी 90 दिन के लिए अटैच हो जाएगी। 90 दिन के अटैचमेंट के बाद प्रोसीडिंग्स चलेंगी, उसमें जो कंफर्म होता है कि ये प्रॉपर्टी बेनामी है तो वो प्रॉपर्टी परमानेंटली कन्फिस्केट की जाएगी। पहले अटैच हुई थी, उसके बाद प्रॉपर्टी हाथ से गई, उस पर कोई एक रुपए का उसको कंपनसेशन तो मिलेगा नहीं, बल्कि और क्या होगा, प्रॉपर्टी जाने के बाद उसका फेयर मार्केट वैल्यू निकाला जाएगा कि आज के डेट में इस प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है, उसको 25% उससे और वसूला जाएगा। वो अपनी दूसरी प्रॉपर्टी बेच के दे या कहाँ से लाए वो नहीं मतलब है, 25% उसको और देना पड़ेगा, प्लस उसको 3 साल से 7 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा, सश्रम कारावास होगा, ये उसका इम्प्लीकेशन है। पेनल्टी लगेगा, 7 साल का जेल होगा, और सबसे बड़ी बात, उसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी, प्रॉपर्टी जाने के बाद 25% उसको और देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही टफ नियम है, जिसके ऊपर अप्लीकेबल हो गया है वो समझ लो बर्बाद हो गया। इनकम टैक्स में फंस जाए वो ठीक है, लेकिन बेनामी प्रॉपर्टी में फंस गया तो बर्बाद है। सर, जिन पे बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट लगता है, डिपार्टमेंट उन पर क्या कार्रवाई करता है? यही सबसे मेन मुद्दा है कि क्या कार्रवाई होगी। इसमें 4 स्टेज हैं। एक स्टेज है नोटिस भेजेगा, उसको संदेह होता है कि बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसको नोटिस भेज देगा।
दूसरा स्टेज है उस जो नोटिस है, नोटिस को अपर अथॉरिटी को भेजा जाएगा, वो अपर अथॉरिटी उसकी इंक्वायरी करेगी, मतलब उसके डेप्थ में जाएगी कि क्या ये सचमुच में बेनामी है, उसको बुलाएगा, उससे प्रूफ मांगेगा, उसकी बातों को सुनेगा, और उसको लगता है कि ये सचमुच में बेनामी ट्रांजैक्शन है तो प्रॉपर्टी कन्फिस्केट होगी। उसके बाद इसको जो एग्रीव्ड है, जिसका प्रॉपर्टी सीज हुआ है, वो अपीलेट अथॉरिटी में जा सकता है, अपील कर सकता है। अगर अपील में भी उसका केस फाइनल नहीं होता है तो हाई कोर्ट में जा सकता है। इसके बीच का प्रोसीजर ये है कि जिस दिन आईओ बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, सबसे नीचे वाला जो ऑफिसर होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जैसे ही पता चलता है, उसको शक संदेह होता है कि ये प्रॉपर्टी, लेकिन रीजन टू बिलीव होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मनगढ़ंत, रीजन टू बिलीव एक वर्ड है उसमें, रीजन टू बिलीव होना चाहिए और वो ऑन द रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे उसको पता चला कि ये प्रॉपर्टी खरीदी और बेची गई है, लेकिन जिस दिन खरीदी और बेची गई थी उस दिन उसका इनकम प्रूफ ऐसा नहीं है कि उसके प्रॉपर्टी की वैल्यू को पे कर सके, न तो उसका रिटर्न ऐसा दिख रहा है, न उसने कोई लोन लिया, न उसकी कोई प्रॉपर्टी बिकी जिससे रिसीट आया। उसको रीजन टू बिलीव होना चाहिए, हो सकता है कि वो रीजन टू बिलीव गलत हो, लेकिन वो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन टू बिलीव उसको एक नोटिस भेजेगा। नोटिस भेजने के बाद जैसे ही नोटिस भेजेगा, उस प्रॉपर्टी को प्रोविजनली, मतलब परमानेंटली नहीं, प्रोविजनली उसको अटैच कर लेगा। अटैच करने का मतलब ये होता है कि ये प्रॉपर्टी अब न खरीदी जा सकती है न बेची जा सकती है। अटैच करने के बाद वो आप अपने अपर अथॉरिटी को भेज देगा, इसका काम खत्म। इसका अपर अथॉरिटी जो है उससे सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा, सारे एविडेंस मंगवाएगा। अगर उसको, वो फिर ये देखेगा कि क्या ये सचमुच में बेनामी है या नहीं है। अगर उसको लगता है तो कन्फर्म कर देगा अटैचमेंट परमानेंटली और पेनल्टी लगा देगा 25% का और जेल दे देगा 3 से 7 साल का। अगर उसको लगता है कि बेनामी नहीं है तो वो फिर उसको कह देगा आईओ को कि इसकी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाए। अगर इसने कह दिया कि ये सब कुछ ठीक है, 7 साल का हो गया, पेनल्टी लग गया, वो लग गया, तो इसके पास टाइम होता है 45 डेज का, वो अपील में जा सकता है। अपील में केस डिसाइड होता है या फेवर में आएगा या तो फिर अगेंस्ट में जाएगा। तो अगर अगेंस्ट में जाता है तो हाई कोर्ट जा सकता है। तो ये इसकी प्रोसीजर है इस तरह से। लेकिन अगर एक बार कन्फर्म हो गया तो फिर वो पेनल्टी, तो अगर अपीलेट में या हाई कोर्ट में नहीं हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट होगी होगी, जेल होगा ही होगा, किस इसमें कोई मतलब इफ एंड बट है ही नहीं। तो ये इसका प्रोसीजर है, इम्प्लीकेशन है। सर मेरा सवाल ये है कि अगर मेरे पास कोई बेनामी प्रॉपर्टी है और डिपार्टमेंट को ये पता चला और वहाँ से मेरे पास नोटिस आया और लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उसे किसी को भेज दिया, तो उसके बाद क्या होगा? हाँ, पहली बात तो ये है कि प्रोविजनली अटैच हो जाती है प्रॉपर्टी। जब आप रजिस्ट्री करने जाएंगे तो जहाँ रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी होगी उसके नॉलेज में ये बात होगी कि प्रोविजनली अटैच हो गया है। हो सकता है कि डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन गैप की वजह से या नोटिस उसके यहाँ नहीं पहुँच पाया हो और आप ज़्यादा स्मार्ट हों, प्रॉपर्टी को बेच दें किसी को और जिसको बेचा है उसको पता नहीं है कि ये बेनामी है और प्रोविजनली अटैच हो चुका है। अगर उसको जानकारी नहीं है तब तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अभी मैंने बताया जैसे प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी खुद और सेल्स देयर ऑफ, अगर उसके सेल्स से आपने कुछ मनी ले लिया है, पैसा इकट्ठा कर लिया है, सेल प्रोसीड हो गई है, तो वो सेल प्रोसीड आपसे कन्फिस्केट की जाएगी। प्रॉपर्टी तो उसकी चली गई, उसको नॉलेज में नहीं था, प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, लेकिन उसका क्योंकि आपने वैल्यू रिसीव किया हुआ है तो वो वैल्यू आपको देना पड़ेगा, प्लस मार्केट वैल्यू का 25% देना पड़ेगा, प्लस जेल भी होगा। लेकिन अगर उसको नॉलेज है और उसने मिलजुल के ऐसा काम किया है तो यही कार्रवाई उसके ऊपर भी होगी। और सर ये चीज़ कैसे जस्टिफाई होगी कि उस बंदे को नहीं पता था कि उसने अनजाने में खरीदा है चीज़? वो हम नहीं बताएंगे, वो अपने हिसाब से वो जानकारी निकालेंगे, ये उनका ऑनर्स ऑफ प्रूफ उनका है, डिपार्टमेंट का। अच्छा।
जो डिफेंस कर रहा है उसको ये बताना पड़ेगा कि हमें जानकारी नहीं थी। अब वो डिपार्टमेंट प्रूव करेगी कि हमें इसको जानकारी थी, वो प्रूफ करने का ऑनर्स ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। और एक सवाल और है सर मेरा, जैसे आपने कहा कि गिफ्टेड प्रॉपर्टी हो या फिर अगर कोई अपने स्पाउस के लिए कर रहा हो तो उसकी कोई लिमिट है या फिर वो किसको प्रूफ करना होगा? लिमिट मीन्स? लिमिट मान लीजिए कि मैं किसी ने 50 लाख का घर अपनी वाइफ के नाम कर दिया ठीक है, तो, और वो बेनामी, मतलब बेनामी के तो उसमें नहीं आएगी, हाँ लेकिन क्या उसे ये चीज़ पूछा जाएगा कि आपके पास कैसे देखिए, है मैंने या अब फिर वो हार मैं समझ जाएगा? गया आपकी हाँ बात। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा या तो फिर इनकम टैक्स एक्ट लगेगा। अच्छा क्योंकि वाइफ को दिया है तो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट नहीं लगेगा, वहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट लगेगा। इनकम टैक्स एक्ट में ये पूछा जाएगा कि जो आपने पैसा दिया है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपके पास। अगर आप सोर्स ऑफ इनकम प्रूव कर देते हैं तो फिर इनकम टैक्स में भी बच जाएंगे, इसमें भी बच जाएंगे। लेकिन अगर आप सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता पाते हैं और आप अपने इनकम को प्रूव नहीं कर पाते हैं तो वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम माना जाएगा। अनडिस्क्लोज्ड इनकम के ऊपर इनकम टैक्स के हिसाब से, प्रोविजन के हिसाब से उसमें टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट लगेगी, पेनल्टी लगेगी, उसमें जेल वेल नहीं होगा। कि मान लीजिए अभी आपने कहा था कि अगर किसी ने लोन लेकर भी नहीं खरीदा है और कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं दिखा रहा है, तो क्या अगर कोई बंदा जिसके पास ऑलरेडी पैसा है और वो बैंक से लोन भी ले ले और उसके बाद वो कोई बेनामी प्रॉपर्टी खरीदता है और जो जो उसके पास जमा हुआ पैसा है ब्लैक मनी उससे वो ईएमआई पे करता है, तो वो प्रोसीजर क्या होगा? देखिए ये जो है ये बड़े ही मतलब क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे लग रहा है कि एक्ट की जानकारी ना हो, प्रोविजन की जानकारी ना हो। जी हाँ इसमें क्या है, जो आपने पूछा कि अगर उसके पास ब्लैक मनी पड़ा हुआ है और उस ब्लैक मनी से उसने घर नहीं खरीदा बल्कि उसने लोन से पैसा लिया, उसे घर खरीद लिया, तो पहली बात तो प्रॉपर्टी बेनामी नहीं है, ठीक है, एक चीज क्लियर हो गया कि वो प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। दूसरा चीज आप कह रहे हैं कि उसका ईएमआई जो है, जो उसने ब्लैक मनी इकट्ठा कर रखा है उससे पे कर रहा है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आएगा कि ईएमआई कैश में तो देगा नहीं, वो जब भी डालेगा बैंक में डालेगा, तो जब भी बैंक में डालेगा उसको बताना पड़ेगा अपने रिटर्न में कि ये पैसा आपके बैंक में जो आया है वो आपका इनकम है या कुछ और है, तो अपने इनकम आईटीआर में, रिटर्न में वो डिस्क्लोज करेगा। अगर इनकम होगा तो इनकम बताएगा, अगर इनकम नहीं होगा तो बताएगा कि मैं कहां से पैसा लाया। अगर वो नहीं बता पाता है तो फिर ये माना जाएगा कि ये इसका अनडिस्क्लोज्ड इनकम है। अनडिस्क्लोज्ड इनकम है इसका मतलब उस पर इनकम टैक्स के हिसाब से कार्रवाई होगी, उस पर इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगी, जेल नहीं होगा। लेकिन इनकम टैक्स में भी जेल का प्रोविजन है एक सर्टेन अमाउंट के बाद। जैसे मेरे ग्रैंडफादर कोई प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए हैं, तो वो उनका डेथ हो गया, तो उन जब पापा को मिलेगा ना तो पापा को कोई नॉलेज नहीं है, पापा उसको सेल कर दिए, तो नोटिस आएगा जो पापा के पास ना, तो उस टाइम क्या होगा? पापा को, ग्रैंडफादर ने बेनामी प्रॉपर्टी ली, पापा को उसका नॉलेज नहीं था और पापा ने उसको सेल कर दिया, तो इसमें कह रहे हैं कि आप बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। अब इसमें एक चीज़ ये देखना पड़ेगा, इसमें दो ओपिनियन हो सकते हैं, मैं इसमें आपको डिसीजन नहीं दूंगा, ओपिनियन दूंगा। पहला ओपिनियन तो ये हो सकता है कि वो जो आपका आईओ है वो तो हमेशा यही कहेगा कि आपको जानकारी थी, अब आप ये प्रूव करो कि मुझे जानकारी नहीं थी, ये आप कैसे प्रूव करोगे कि मुझे जानकारी नहीं थी। वो तो ये इनहेरेंट मान के बैठा हुआ है कि ये अगर ट्रांजेक्शन बेनामी थी, आपके फादर के नाम से थी, आपको मिली है तो आपको इसको जानकारी थी, अब आप प्रूफ कीजिए कि हमें जानकारी नहीं थी। अगर आप प्रूफ कर देते हैं तो हमारे समझ से उस पर बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट नहीं लगेगा। दूसरी चीज, क्योंकि ये एक्ट बना था 1988 में और शुरू हुआ है 2016 में, तो ऐसा नहीं है कि 2016 से ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, ये एक्ट एप्लीकेबल होगा 1988 से। तो 1988 के बाद जो भी प्रॉपर्टी खरीदी गई है या इस तरह के ट्रांजेक्शन हुए हैं जो कि बेनामी है, उसको तो गवर्नमेंट मान ही रही है कि बेनामी है, उसको तो छोड़ने ही वाली नहीं है। तो चाहे, अब दूसरी चीज बताता हूं, एक प्रोविजन इसमें और है, आपके बातों से मुझे डिस्कशन में याद आया कि अगर कोई बेनामी ट्रांजेक्शन
ट्रांजैक्शन किया हुआ है और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हियर, इवन लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी बात कर रहा है, अगर वो मर गया जिसके जिसने बेनामी प्रॉपर्टी का किया था, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज इट इज माना जाएगा कि ये जो है वो अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो मतलब इसकी कैपेसिटी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में आ जाती है, सारे एक्ट और प्रोविजन इसके ऊपर अप्लीकेबल होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर, मतलब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो लीगल हियर को तो छोड़ ही नहीं सकते। जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं छोड़ रहे तो लीगल हियर को नहीं छोड़ेंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ उन्होंने कहा है कि आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा और आपको पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं भाई, दूसरे की गलतियों का खामियाजा आप क्यों भुगतेंगे। लेकिन हमें लगता है कि लीगल हियर को नहीं छोड़ा जाएगा। ओपिनियन डिफरेंस भी हो सकता है, इसमें कोर्ट के डिसीजंस वगैरह देखने पड़ेंगे कि अगर इस तरह के कोई डिसीजंस आए हैं कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जब कोई लॉ नया बनता है तो 2-4 साल उसको सेटल होने में लगते हैं, और सेटल तभी होता है जब कोर्ट का कोई डिसीजन आता है, और हाई कोर्ट के डिसीजंस को तो वैसे भी एक्ट नहीं माना जाता। एक्ट दो तरीके से बनते हैं इंडिया में, एक तो लेजिस्लेटिव बनाता है जो कि पार्लियामेंट में पास होता है, दूसरा ये होता है कि जब जो एक्ट कोई रूल्स या नोटिफाइड नहीं हुए हैं पार्लियामेंट में और वो केस चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया तो तब तक उसको लॉ माना जाता है जब तक कि वो लेजिस्लेटिव उसको अमेंड मॉडिफाई या नोटिफाई ना करें। तो इंडिया में दो तरह से लॉ बनते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लॉ मान लिया जाता है, एक लेजिस्लेटिव। तो अगर इस तरह से कोई अगर इनका देखना पड़ेगा कि क्या कोई डिसीजन आया है कि नहीं, अगर आया होगा तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। तो हमें लग रहा है कि आज का डिस्कशन यही समाप्त हो गया, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।